नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हलका बुलाना विधायक वरुण चौधरी ने एक प्रेस वार्ता कर बराड़ा नगर पालिका पर सरकार के ई टेंडर प्रक्रिया नियमों को नजरअंदाज कर करोड़ों रुपयों के घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। वरुण चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 3 वर्षों में नगर पालिका प्रशासन ने ई टेंडर प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करते हुए कोटेशन के माध्यम से लाखों रुपयों के बिलों के भुगतान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन के संदिग्ध आचरण का खुलासा करते हुए कहा कि नगर पालिका बराड़ा ने 3 वर्षों में और कोरोना काल में फर्जी बिल बनाकर जनता की गाड़ी कमाई और सरकार को चूना लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वरुण चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 लाख रुपए से अधिक सेवा और सम्मान की खरीद केवल ई टेंडर के माध्यम से ही की जाती है, जबकि प्रशासन ने कई लाखों के बिल ई टेंडर प्रक्रिया के नियमों को ताक पर रखकर भुगतान कर दिया और सामान में इंद्राज और फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करवाई गई है। मुलाना से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। बहुत समय से बराड़ावासी ये जानना चाहते हैं बराड़ा नगर पालिका में क्या कार्य हुए हैं, किस प्रकार से हुए, लेकिन कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही। तो मैंने विधानसभा में प्रश्न लगा के ये जानकारी प्राप्त करी है कि पिछले 3 साल में क्या क्या कार्य हुए और कितने टेंडर से हुए हैं और कितने जो हैं कोटेशन से हुए। 1 लाख या उससे ऊपर का कोई भी कार्य बिना टेंडर के नहीं किया जा सकता, परंतु ये सामने आया है कि बराड़ा नगर पालिका द्वारा कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ या तो स्प्लिट कर दिया काम को और 1 लाख से ऊपर के काम को भी बिना टेंडर के किया है, चाहे वो फर्नीचर खरीदने में किया, चाहे वो सैनिटाइजर खरीदने में किया, चाहे वो बिजली की तारें और सामान खरीदने में किया। कई ऐसे मामले हैं, JCB के किराए पे किया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं और वो ही मैंने आज आप सबके माध्यम से बताया है, जिससे कि और आगे ये भी मांग करेंगे भी अगर कहीं ये, क्योंकि रूल जो था वो ये था कि 1 लाख से ऊपर का काम बिना टेंडर के नहीं दिया जा सकता था, दिया गया है तो इसके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी हम मांग करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।